के स्टेट कोविड मैनेजमेंट टीम का गठन कर दिया गया है। कोरोना की दस्तक के बीच एसीएस मेडिकल शुभराज सिंह ने गठित की 9 सदस्यीय टीम। चिकित्सा शिक्षा आयुक्त शिव प्रसाद नकाते की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है। आरएमएससीएल की एमडी अनुपमा जोरवाल, आरएएसएचए के संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर गौरव सैनी, निदेशक जन स्वास्थ्य डॉक्टर रवि प्रकाश माथुर, संयुक्त निदेशक ग्रामीण स्वास्थ्य डॉक्टर रवि प्रकाश शर्मा, एसएमएस के वरिष्ठ प्रोफेसर भारती मल्होत्रा, आईजीएसपी के एसएनओ डॉक्टर प्रवीण असवाल, आरयूएचएस अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अजीत सिंह, राजमेश के उप निदेशक डॉक्टर वंदना शर्मा कमेटी में शामिल हुई है। ये कमेटी कोविड प्रबंधन को लेकर प्रदेश भर की निगरानी रखेगी ताकि आवश्यकता होने पर रोगियों को तत्काल चिकित्सा सुविधाएं मिल सके। तो फिलहाल टीम का गठन किया गया है कोरोना प्रबंधन के लिए, ताकि कोविड काल में जिस तरीके की समस्याएं आई थी, जिससे मरीजों को जूझना पड़ा था, प्रशासन को जूझना पड़ा था, कुछ भी गफलत हुई थी, वो इस बार समस्या सामने ना आए। क्योंकि कोविड का नया वेरिएंट आ चुका है, कोरोना का नया वेरिएंट JN1 को लेकर केंद्र भी चिंतित है, प्रशासन जो है राजस्थान प्रशासन ने भी जिम्मेदारी संभाल ली है। गठन कर दी गई है टीम, एसीएस मेडिकल शुभराज सिंह ने 9 सदस्यीय टीम को गठित किया है। सदस्य टीम एसएमएस के वरिष्ठ प्रोफेसर भारती मल्होत्रा और तमाम दिग्गज इस टीम का हिस्सा है। यह बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि स्पेशल प्रोग्राम भी किया गया फोर्स इंडिया न्यूज की तरफ से कल शाम 5 बजे, और यह जानकारी दी गई थी कि जो नया वेरिएंट है यह कितना परेशान करने वाला है, कितना खतरनाक है। लेकिन इस बीच टीम का गठन करना यानी कि प्रशासन मुस्तैद है। विकास शर्मा वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। विकास, कितना खतरनाक है इस पर तो लगातार WHO का बयान और इसके अलावा राजस्थान प्रशासन जो है अस्पताल प्रशासन उनका भी बयान बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन इस बीच टीम का गठन होना, एक तरफ केंद्र चिंतित, एक तरफ राजस्थान सरकार और प्रशासन, क्या समझे? हाँ देखिए, बिल्कुल, ये जो कमेटी का गठन किया गया है ये स्टेट लेवल कोविड मैनेजमेंट की टीम का गठन किया गया। ये कमेटी का गठन जो है वो इसलिए किया गया कि देखो कोविड समाप्त हुए काफी समय हो गया, अब एक बार फिर से सभी संसाधनों को एक रूपता दी जानी है और अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है तो उससे लड़ना भी है। तो ऐसे में चाहे चिकित्सकीय जरूरतें हों, चाहे फिर और अन्य संसाधनों की जरूरत हो, तमाम तरह की चीजों के लिए एक विशेषज्ञों की टीम बहुत जरूरी थी और इसी को देखते हुए पूरा एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया, जिसमें चिकित्सा शिक्षा आयुक्त हैं शिव प्रकाश नकाते, उनके जिनके पास ड्रग आयुक्त का भी काम है, उनको उनकी अध्यक्षता में पूरी कमेटी बनाई गई, जिसके अंदर की अन्य जो चिकित्सक है उनको जोड़ा गया है, अन्य ब्यूरोक्रेट है उनको जोड़ा गया है, दवाओं का मैनेजमेंट देखने के लिए आरएमएससीएल के एमडी जो अनुपमा जोरवाल को उसको जोड़ा गया है। तमाम जो टीम का गठन किया गया, ये टीम एकजाई रूप से एक काम करेगी और एक काम करके और पूरा व्यवस्थित रूप से जो कह सकते हैं कोविड का जो मैनेजमेंट है उसको पूरा किया जाएगा। जी, ये जो नया वेरिएंट आया है क्या उसके मद्देनजर भी इस टीम का गठन किया गया है, ये समझे विकास? देखिए बिल्कुल, ये जो नया वेरिएंट है, कोविड के नए केस जो सामने आए हैं उसके बाद ही इस कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी का गठन जो किया गया है उसके पीछे कारण यही है कि जो तमाम जरूरतें हैं उनको पूरा किया जा सके। जी ठीक है, लेकिन फर्स्ट इंडिया की जनता जो है वो ये जानना चाहती है विकास, आप क्योंकि लगातार कवर कर रहे हैं, कोविड काल में भी आपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, दर्शकों को सचेत किया था, लेकिन इस बार कितने वो सचेत रहे, कितने सजग रहे, कितना खतरनाक ये वेरिएंट है? क्योंकि प्रबंधन तो जिम्मेदारी संभालेगा, गठन कर दिया गया है, लेकिन जो आम जनता है वो किस तरीके से ध्यान रखे, मास्क के जरिए, सैनिटाइजर के जरिए या फिर क्राउडेड एरिया में जाने से बचे? देखिए बिल्कुल, इसमें तो जागरूकता ही बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक जागरूक नहीं होंगे लोग तब तक कोविड पर मैनेजमेंट, कोविड को रोक पाना बहुत मुश्किल होता है। और पिछली बार भी हमने देखा कि प्रदेश की जनता ने किस तरह से कोविड के दौरान जागरूकता दिखाई थी, जिसका परिणाम रहा कि हम कोविड पे काफी हद तक जीत हासिल करने में सफल भी रहे थे। और हम उम्मीद करते हैं लोगों से कि अभी बार फिर से वो जागरूकता जरूर दिखाएंगे और जिस तरह की जरूरत है उस तरह का प्रशासन के साथ किया जाएगा ताकि कोविड को एक बार फिर से फैलने से रोका जा सके। बिल्कुल, लेकिन सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, क्योंकि ये तो बेहद महत्वपूर्ण है, हालांकि गाइडलाइंस भी जारी कर दी जाएगी अगर खतरनाक लगेगा प्रशासन को, लेकिन खुद से जो आम लोग हैं वो किस तरीके की तैयारी अपनी रखें विकास?
चलिए आगे भी आप तक जानकारी देंगे, बहुत शुक्रिया फिलहाल इस अपडेट के लिए विकास, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण है। एसएस मेडिकल शुभ्रा सिंह ने 9 सदस्यीय टीम गठित कर दी। अब आप समझ लीजिए कि प्रशासन तैयार है और बस अब सजग रहना है, आम लोगों को जागरूक होने की जरूरत है।